वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों अपने पास हिताची का एक प्रोजेक्टर आया है और वैसे तो ये ऑन है पर इसमें कलर की प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें येलोपन आ रहा है ज्यादातर। और आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिपेयर करना है और मैं चाहता हूँ कि बिगनर स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। और आप टेक्निकल स्किल जरूर सीखिए क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं आज की डेट में रोजगार खत्म से होते जा रहे हैं। अगर आपके हाथ में कोई सा भी हुनर है तो आप अपने लिए डेली 1000 रुपए से 2000 रुपए अच्छी इनकम कर सकते हैं। और आप अगर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो प्रोजेक्टर है हिताची का है और जो मॉडल है आप देखेंगे CP-RX-A2 है और पावर लगाने पे पावर आ गई है और पावर ऑन करने पे देखेंगे ये ऑन भी हो रहा है। और आप देखेंगे इसमें प्रॉब्लम ही आ रही है, जो इसका फोकस है वो येलोपन है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाइट बंद कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पे जो फोकस आ रहा है, अभी थोड़ा डार्क हो जाएगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारा ये चालू हो गया प्रोजेक्टर और आप देख सकते हैं इसमें जो है येलोपन है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो वीडियो है यहाँ पे बॉर्डर नहीं बन रहा है, ब्लैक बॉर्डर बनना चाहिए इसको, बॉर्डर भी नहीं बन रहा है। देखो हल्का सा शेडो आ रहा है और पिक्चर में जो है येलोपन आ रहा है ज्यादातर। देखिए फिक्स कर लिया है, थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ उसको मैं प्रोजेक्टर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में एक बॉक्स है, हल्का सा शेडो दिख रहा है और येलोपन आ रहा है। तो बॉक्स आप देखेंगे बहुत हल्का सा ब्लैकनेस आ रही है। तो आज मेरे को इसी को रिपेयर करना है तो मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ इसकी। देखेंगे यहाँ पे पावर लाइट ब्लिंक कर रही है, मैंने ऑफ कर दिया है और इसको मैं खोलूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप रिपेयरिंग सीखते हैं तो आपको किसी के पास जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप खुद का अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम कोई भी होगी इसको देखेंगे। देखेंगे पेच हमने खोल लिए इसके और एक साइड में होगा जो हमारे लैंप के लिए होता है, इसे भी खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं जहाँ पे उसका लैंप लगता है वहाँ पे एक सेंसर होता है। अगर देखिए जो ये पिन जो जा रही है हमारे अंदर सेंसर को एक्टिवेट करती है, अगर हम ढक्कन निकाल लेंगे तो इस कंडीशन में अगर मैं प्रोजेक्टर को ऑन करता हूँ तो पावर तो आएगी पर प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा मेरा। तो यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जब ढक्कन लगता है तो ये सेंसर इसको दबाता है। तो आप अगर रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले इसको शॉर्ट करके चेक कर लें, अगर आपका प्रोजेक्टर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे जो कलर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 स्ट्रिप लगी हुई देखेंगे तो ये इनसे ही हमारे कलर बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और मैं देखूँ तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया केस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लूज दिख रहा है। देखेंगे सारे पत्ते अपने कनेक्टर में लगे हुए हैं तो ये तो बहुत आसान हो गया रिपेयर करना। तो यहाँ पे ये निकला हुआ है, देखेंगे मैं आपको बेल्ट दिखाऊं तो ये लूज था, तो ये अब किसी भी वजह से खराब हो सकता है ये। और आप देखेंगे ये सब लगे हुए हैं जबकि ये निकला हुआ मुझे मिला, तो मैं इसको अच्छे से प्लग करूंगा और मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इससे ओके हो जाएगी। और यकीनन आप देखेंगे अगर आप प्रोजेक्टर रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए कस्टमर आपको आराम से 4000-5000 रुपये पे करेगा। तो देखेंगे मैं इसको आराम से इसको प्लग कर देता हूँ। ये टूट गया है एक्चुअली में कनेक्टर, इसीलिए अपनी ग्रिप से बाहर आ गया है। तो इसको मैं अच्छे से अंदर करके, और काम में आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। देखिए ये मेरा लग गया है और इसको मैं अब प्लग करूंगा। देखिए प्लग करने के लिए आपने इस तरीके से अंदर से नीचे से डाल के पुश करना है आगे को, क्योंकि आप साइड से कर दोगे तो ये प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं हो पाएगा। देखिए देखिए मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ओके हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि बिना इसके शॉर्ट करे मेरा प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। दोबारा से मैं इसमें पावर केबल को लगाता हूँ और मे बी मेरी प्रॉब्लम ओके हो गई। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ दोबारा से, तो प्रोजेक्टर मेरा ऑन हो गया है। देखते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई।
देखिए ऑन हो गया प्रोजेक्टर, देखेंगे बिल्कुल हो गया है, क्योंकि इससे पहले ये येलो दिख रहा था, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा आने दीजिए। देखेंगे यहाँ पे ब्लूपन भी आ गया, पहले इसमें ब्लू नहीं दिख रहा था, और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये बॉर्डर है, देखेंगे आप ब्लैक बॉर्डर बन गया है इसका, हिताची व्हाइट आ रहा है पहले जबकि येलो आ रहा था। थोड़ा सा मैं इसको देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है, थोड़ा सा और एडजस्ट करके देखता हूँ। देखेंगे देखिए जरा सी प्रॉब्लम के वजह से प्रोजेक्टर में ये प्रॉब्लम थी, आप देखेंगे यहाँ पे पहले येलोपन आ रहा था और पीछे बैकग्राउंड में हमारा ब्लू नहीं आ रहा था, और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे हमारा वीडियो एस वीडियो लिखा है, वीडियो लिखा है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं बन रहा था ब्लैक। तो आप देखेंगे केवल इन पत्तों की वजह से, आप इधर देखें, केवल इन पत्तों की वजह से हमारा कलर एक्चुअल में नहीं आ पा रहा था। और आप कस्टमर को अपने हिसाब से मतलब मिनिमम 1000 रुपये तो बहुत खुश होकर दे जाएगा, और अगर आप उनको बताते कि हमने इसको रिप्लेस किया तो आराम से प्रोजेक्टर जैसी चीज़ में 4000-5000 रुपये मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे हमारी प्रॉब्लम इतने से करने से ओके हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कराने के लिए तो हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम आपको उसको रिपेयर करके देंगे और अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओके हो जाए। तो मैं अपना एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी संपर्क कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।